गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं अनिल मीणा चाणक्य क्लासेस से। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो पशुपालन चल रहा था, जिसको आधा अपन ने कर दिया और आज इसे अपन कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट अपना जो पशु आता है वो आती है भेड़। भेड़ देखो, भेड़ सर्वाधिक बाड़मेर में पाई जाती है। सर्वाधिक कम भेड़ धौलपुर, कम धौलपुर या करौली। अब एक चीज देखो, आप अगर आपसे कल मैंने बताया था भेड़ बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो अभी करना का टॉक। और अगर आपसे पूछ ले केवल भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो अपन को करना बीछवाल बीकानेर। भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीछवाल बीकानेर। और एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कहाँ है? अपने बीकानेर में ही है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कहाँ है? बीकानेर। और ऊन प्रशिक्षण शाला जोधपुर। ऊन प्रशिक्षण शाला कहाँ है? जोधपुर। अब आप देखो भेड़ की प्रमुख नस्ल, भेड़ की प्रमुख नस्लें एक लाइन याद कर लेना, चोखे मामा ने बाग में सोना पूजा। चोखे मामा ने बाग में क्या पूजा? सोना पूजा। लाइन याद कर लेना, चोखे दो मामा होते ना, एक तो कोजा वाला मामा और एक चोखा वाला मामा, तो ये कौन से मामा है? चोखे। चोखे मामा ने बाग में क्या पूजा? सोना पूजा। देखो पहले चोखला, उसके बाद खेरी, उसके बाद में मारवाड़ी, उसके बाद मालपुरी, नाली, बागड़ी, मेवाड़ी, सोनाड़ी, पूंगल और जैसलमेर, ये भेड़ की प्रमुख नस्ल है। देखो चोखला, खेरी, मारवाड़ी, मालपुरी, नाली, बागड़ी, मेवाड़ी, सोनाड़ी, पूंगल और जैसलमेर, ठीक। अब पहले अपन देखते हैं भेड़। देखो भेड़ के दूध का उपयोग अपन हड्डी, जब हड्डियां टूट जाती है तब उन हड्डियों को जोड़ने के लिए भी भेड़ के दूध का प्रयोग करते हैं। आपने सुना होगा, यानी पहले कोई हड्डी टूट जाती तो भेड़ के दूध की मालिश की जाती थी, तो उससे हड्डियाँ जुड़ जाती। देखो पहले देखते अपन चोखला, पहले अपन कौन सी देखते हैं? चोखला। देखो इसे मेरिनो कहा जाता है। चोखला को क्या कहा जाता है? भारत की मेरिनो, क्योंकि इसकी ऊन है वो सबसे उत्तम श्रेणी की है। और मेरिनो भेड़ कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। और ये चोखला अपने राजस्थान में पाई जाती है, इसकी ऊन सबसे उन्नत श्रेणी की, इस कारण से भारत की मेरिनो कहा जाता है। उसके बाद खेरी। देखो खेरी नस्ल का 75% तो मुंह क्या होता है? काला, और 25% मुंह होता है सफेद, तो ये इस नस्ल की पहचान है, ब्लैक एंड वाइट। उसके बाद है मारवाड़ी। देखो मारवाड़ी सबसे प्राचीन नस्ल है, ध्यान रखना, मारवाड़ी सबसे प्राचीन नस्ल है। और इस भेड़ की एक प्रमुख खासियत यह है, एक ये झुंड में रहती है। झुंड में तो सभी रहती है, लेकिन ये झुंड में, मतलब एक भेड़ कहते ना, एक भेड़ कुएं में पड़ी, तो ये वो है। अगर एक भेड़ चल दी तो ये उसके पीछे पीछे पूरी चलती है। रात को जब सोती है तो एक दूसरे के ऊपर सिर रख के सोती है। तो और इस भेड़ में सर्वाधिक एंटीबायोटिक पाई जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। अगर आपसे कोई पूछे रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल कौन सी है? मारवाड़ी। मालपुरी, इसके जो नमदे बनाए जाते हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं सोनाड़ी।
सोनारी या चरनोथर, सोनारी को अपन चरनोथर भी कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है चरनोथर का, यानी चढ़ते समय कान जमीन को स्पर्श करते हैं। इस भेड़ की प्रमुख विशेषता है कि चढ़ते समय कान जमीन को स्पर्श करते हैं। और पूंगल बीकानेर वाले क्षेत्र की, और जैसलमेरी सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल कौन सी है? जैसलमेरी। अगर आपसे कोई पूछे सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल कौन सी है, जैसलमेरी। और सबसे सुंदर या उत्तम श्रेणी की ऊन देने वाली नस्ल कौन सी है, चोखला। ये आपके भेड़ खत्म, मैंने भेड़ का टॉपिक खत्म। नेक्स्ट अपन लेते हैं गाय। सुना है ना, गाय हमारी माता है और हमको सबको चाहता है, ये नहीं। आज नया डायलॉग आपको देना है, गाय हमारी माता और हमको सब कुछ आता है, ये नहीं कहना हमें कुछ नहीं आता, हमें सब कुछ आता है। गाय देखो, सर्वाधिक उदयपुर, कम वही धौलपुर और करौली, ये कम वो अधिक। भाई अधिक कहाँ है, गाय उदयपुर और कम धौलपुर करौली। आपने सुना होगा जैसे भारत का पहला गो अभियान अपने बीकानेर में मनाया जा रहा है, और गाय अनुसंधान केंद्र वल्लभ नगर उदयपुर में, गाय अनुसंधान केंद्र का है वल्लभ नगर उदयपुर में। और सबसे बड़ा अपना जो पशु मेला भरता है वो कहाँ भरता है, परवसर नागौर वीर तेजाजी पशु मेला, जो आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा क्या है, पशु मेला। हाँ, गाय की प्रमुख नस्लें अपन को देखना, गाय की प्रमुख नस्लें एक लाइन याद कर लेना, जैसे मेव हरी का सारा माल थार में गिरना ही था, मेवरी का सारा माल थार में गिरना ही था। यानी थार मतलब वो रेगिस्तान में, यानी कोई भी सामान लेके आया अगर ज़्यादा थक जाए आदमी तो सामान को पटक जाता है। जैसे अश्वक्षांश वहाँ पर यात्री घोड़े लेके जा रहे थे, लेकिन हवा का रुख तेज हुआ तो उन्होंने अपने जहाज को हल्का करने के लिए घोड़े समुद्र में फेंक दिए, तो वो अश्वक्षांश कहलाए। वैसे आपने सुना होगा कर्नल जेम्स टॉड जो इंग्लैंड जाते समय मान मोरी शिलालेख को समुद्र में फेंक गए थे, ठीक है ना। ये चीज तो मेवरी का सारा माल कहाँ गिरना था, थार में। देखो मेवाती हरियाणवी कांकरेज सांचोरी राठी मालाणी थार पारकर गिर गिर या जमेरा, या अपन इसको बोल सकते रेंडा और नागौर, ये गाय की प्रमुख नस्ल है। देखो मेवाती हरियाणवी कांकरे राठी सांचोरी मालाणी थारपारकर गिर अजमेरा या रेंडा और नागौरी, ये अपनी गाय की प्रमुख नस्ल है। पहला अपन देखते हैं, देखो मेवाती, मेवाती है जो ये अलवर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इस गाय के लिए बैल प्रसिद्ध है, और बैल केवल हल जोतने के लिए फेमस है। किसके लिए, केवल हल जोतने के लिए फेमस है। उसके बाद में कांकरेज, ये अपने लंबे सींगों के लिए फेमस है। कांकरेज किसके लिए, अपने लंबे सींगों के लिए फेमस है। और इसका जो सांचोरी, सांचोर में ये जालोर साइड, राठी, जो राठी राजस्थान की सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है, इस कारण इसे राजस्थान की क्या कहा जाता है, कामधेनु, क्या कहा जाता है, कामधेनु। और राठी गाय अनुसंधान केंद्र का है नौहर हनुमानगढ़, का है नौहर हनुमानगढ़। मालाणी बाड़मेर क्षेत्र, जो यहाँ तल्लीनाथ जी का मेला भी भरता है मालाणी के लिए। थार पारकर, देखो थार पारकर
इसका मूल निवास स्थान पाकिस्तान के मुल्तान प्रांत में, पाकिस्तान के मुल्तान प्रांत, लेकिन ये पाकिस्तान को पार करके राजस्थान में आ गई, इस कारण से क्या कहा गया, थार पारकर। और ये राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में पाए जाते, जैसे गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर आदि के। और इस गाय का अनुसंधान केंद्र अपने सूरतगढ़ गंगानगर में, थार पारकर का अनुसंधान है सूरतगढ़ में। गिर, गिर अजमेर या रेंडा, ये गुजरात के गिर जंगलों में इसका मूल निवास स्थान है और अजमेर में पाई जाती है, इसे अजमेरा भी कहा जाता है। नागौरी, नागौरी विश्व भर में बैल फेमस है, जो अपने मजबूत कद काठी के लिए प्रसिद्ध है, मजबूत कद काठी के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो वीर तेजाजी पशु मेला, वहाँ पर ये मिलते हैं। ये सभी कार्य के लिए नागौरी बैल सबसे उत्तम श्रेणी के। और आपको बताओ, देखो राजस्थान की सबसे प्राचीन डेयरी पद्मा डेयरी, राजस्थान की सबसे प्राचीन डेयरी पद्मा डेयरी, जो कहाँ है, अजमेर। और तीन डेयरी हैं, जैसे उरमूल बीकानेर, गंगमूल गंगानगर और वरमूल जोधपुर। और सबसे बड़ी जो गौशाला है सांचौर, पथमेड़ा सांचौर में, जो जालौर जिले में, यहाँ गोमूत्र बैंक भी बनाया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट अपन देखते हैं मुर्गी, नेक्स्ट कौन सी देखते हैं अपन, मुर्गी। सुना होगा ना, मुर्गी पहले अंडा पहले आया, मुर्गी। मुर्गियों की बड़ी दुर्दशा होती है हर जगह, कोई भी आए, बर्ड फ्लू आए तो मुर्गियों को मारो, अब कोरोना आया तो करे मुर्गियां ही लेके आई हैं बेचारी मुर्गियां, काम ही तमाम होता है। मुर्गी सर्वाधिक अजमेर, कम करौली धौलपुर, और जैसे देसी मुर्गी बांसवाड़ा, सर्वाधिक बांसवाड़ा, और कम तो वही करौली धौलपुर में, कम तो कहां पर है, करौली धौलपुर में। और मुर्गियों की प्रमुख नस्ल देखो, असील, टेणी, रानी, ये मुर्गियों की प्रमुख नस्ल है। और मुर्गियों में एक रानी खेत नामक रोग भी होता है, मुर्गियों में कौन सा रोग होता है, रानी खेत नामक रोग होता है। नेक्स्ट सुअर, देखो सुअर सर्वाधिक जयपुर अलवर, कम धौलपुर। और सुअर अनुसंधान केंद्र अलवर में, इसके एक शाखा भरतपुर में डाली गई है। और सुअर को भाकर का भूमिया भी कहा जाता है, सुअर को क्या कहा जाता है, भाकर का भूमिया, सुअर को भाकर का भूमिया भी कहा जाता है। गधे, गधे जो अपन कल करेंगे, और आज का इतना ही बहुत। धन्यवाद जी, वीडियो पूरा देखो।